हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस रसवंते एसएस शुगर कैन मशीन यूट्यूब चैनल पे। हमारा कस्टमर आए हैं काफ़ी लॉन्ग जर्नी करके, काफ़ी पुराने कस्टमर आए हुए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? महमूद मंसूरी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद मंसूरी। महमूद भाई, महमूद भाई कितना टाइम से आप हमारा मशीन चला रहे हो एसएस का पिलर मशीन? ये सन 2022 में ली थी। अच्छा, ये 2024-25 तीन साल हो जाएंगे इसको। अच्छा, तो तीन साल पहले आपने मशीन खरीदा, तो कैसे आपको उस टाइम पे पता चला था कि ये जो शुगर केन पीलिंग मशीन है वो कौन बनाता है? कैसे आपने इंक्वायरी किया था, कैसे आपको हमारा एड्रेस मिला था? एड्रेस तो क्या मिला, जो महाराष्ट्र वगैरह से जो लोग बाग आते हैं रस पीने के लिए बड़ी बड़ी सीटों से, क्या यार तुम अभी गन्ना अभी भी इसमें इतना डस्ट लगा, आजकल तो मशीनें चल गई है। तो मैंने खोल के देखा, यूट्यूब ग्राहक को देखने के बाद पता लगा, मैंने फिर अहमदाबाद सर्च करके देखा तो उसमें आप लोगों का आया शोरूम का नाम, तो फिर इसमें पिलर मशीन देखी गन्ने छिलने की, तो देखा तो ये मशीन है। तो उसके दो दिन बाद ही मैं अहमदाबाद आ गया लेने के लिए। अच्छा, उस टाइम पे आप अहमदाबाद आए थे, फिर आपने अहमदाबाद आके यहाँ पर मशीन लाइव देखी थी। मशीन हमने उस टाइम पे आपको कहा था कि भाई हमारी मशीन जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आपको आज जो है अप्रोक्स तीन साल होने आ गया, तो वो तीन सालों में क्या हमने कई बात सच निकली? बात तो सच ही, ब्रश तो तीन साल में अब ख़त्म नहीं होंगे तो फिर कब ख़त्म होंगे यार? रोज़ का 1.5 क्विंटल गन्ना रोज़ का साफ़ करना है। आप रोज़ाना 1.5 क्विंटल गन्ना जो है साफ करते हैं? 1.5 क्विंटल यानी कितना केजी हो गया, वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। 1.5 क्विंटल मतलब 150 किलो। अच्छा, 150 किलो। 150 किलो 150 किलो जो है पर डे गन्ना आप पीलिंग कर रहे हैं लगातार 2.5-3 साल से, और आपका जो है अभी तक ना मोटर फूका, ना आपका बेल्ट गया, ना आपका ब्रश गया, ना कई 1 रुपये का खर्चा आया आपको मशीन में, तो आप बताइए। बस खर्चा तो कुछ भी नहीं आया, ना तो अभी तक बेल्ट भी नहीं टूटा इसका, और मेरे एक मशीन का मोटर शॉर्ट हो गई थी तो मैंने इसकी मोटर लगा के उसमें लगा दी तो मशीन भी चलने लग गई, दुकानदारी भी बंद नहीं हुई। अपन इतना गन्ना साफ था तो इतना बन गया ही, तो पापा इस मोटर इसी में कस दिया अपन ने। अच्छा, यानी इस मशीन की तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 1 रुपया डालना पड़ा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब बरस खत्म हुए तब 3 साल में। अब लाइट बिल तो कैसा खा रही है? लाइट बिल बहुत, जैसे बहुत मिनिमम है, तो मिनिमम बहुत मिनिमम है, कोई आपको ज्यादा खर्चा तो नहीं आ रहा है सर। अच्छा, इसके अंदर जो है 9 ब्रश है, तो रिजल्ट कैसा है? ब्रश तो अच्छे है बिल्कुल। अच्छा, और आपको कभी हाथ जाने का या कटने का कोई ऐसा बना कोई शॉट आया आपको कभी? नहीं, ये बच्चा है छोटा सा 12-13 साल का, कभी चाहता है तो पापा मैं नहीं करूँ साफ, न कर इस बच्चा तक साफ कर लेता है इसको। आप भी चला लेते हो? यस। आपने चलाई हुई है मशीन को? यस। ये इन्होंने भी चलाई हुई है। कहाँ पर है आपकी ये मशीन लगी हुई है एसएस पिलर मशीन? मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर, पूरा पता बता दीजिए सर। नाटा चौराया होटल ऋतुवन के सामने। ये बच्चा बताएगा एक दफा पता। नाटा चौराया मंदसौर MP ऋतुवन होटल के सामने। अच्छा, क्या नाम है आपकी दुकान का? सागर सोडा। सागर सोडा के नाम से है। और सर को इतना प्यारा लगा हमारा पिलर के आज वो करवाने आ गए हैं सोडा शॉप मशीन बुकिंग, तो भी आके दिखाएंगे। सर आप अपने हाथों से चला के दिखाइए एक दफा इस मशीन को कि कैसा इसका रिजल्ट है। चालू है, यहाँ से कीजिए सर। अच्छा, कोई आवाज वगैरह कुछ बढ़ा सर तीन साल में? नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं बढ़ा है। एक बाजू से निकालते दूसरी बाजू से, एक बाजू से डालते दूसरी बाजू से निकालते, क्लीन हो जाता है बिल्कुल क्लीन, डस्टिंग वगैरह। अच्छा, दोबारा डालने की तो जरूरत नहीं पड़ती। ये तफावत देखो आपके सामने, ये डेमो आपके सामने, बच्चा निकालेगा। यानी इसको साफ करने का खर्चा जो है केवल पैसों में आता है ना, कहीं 100 किलो आप साफ करोगे केवल पैसों में। बेटा और पापा मिलके दोनों कर रहे हैं काम। चलो एक दफा मैं भी आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों डेमो। ये देखिए डटी शुगर कैन स्टिक है, सिर्फ आपको इसको यहाँ पर डालना है इस तरीके से, यहाँ से निकालना है। देखिए पीछे से निकल रहा है, देखिए ये पीछे से दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए वो बाजू से डटी था, ये बाजू से साफ। देखिए सफाई देखिए, एक दूसरे भी कस्टमर आए हुए सर, सफाई आपके सामने। हाँ ये। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ से आए? महाराष्ट्र सतारा से। महाराष्ट्र सतारा से आए, एक MP से। आपके सामने रिजल्ट एकदम वाइट हो गया है, वाइट। और कोई हाथ के ऊपर कोई प्रेशर के कोई बल होता तो ये लड़का डाल ही नहीं पाता गन्ने को, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने है तो थोड़ा नर्वस कोई भी हो जाता है, बाकी वो वहाँ पर निकालता है उसकी दुकान पर। तो दोस्तों हैवी मोटर हैवी ब्रश है, और ब्रश के अंदर मेन होती है डिज़ाइन। ये क्या इस टाइप की दिखने वाली मशीन की कॉपी मार्केट लोग करते हैं लेकिन बाहर से,
अंदर से फर्क होता है सर। ये सालों हो गए एसएस ब्रांड कंपनी को आज मशीन बनाते हुए, आप तुरंत दूसरी मशीन जो है 500-1000 रुपये कम में मिल रही है आप खरीद लोगे, फिर वो तो पीछे से पता चलेगा ना कि क्या फर्क था, क्यों इतना टाइम चली भाई, 3-3 साल क्यों हमारी मशीन चली, ना उसकी मोटर फूकी ना बेल्ट फूका, तो उसमें काम किया गया है, उसकी जो उसका जो मोटर है वो अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की है, उसका जो बेयरिंग है ना, देखिए अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता भी हूँ, आपको दिखाने में हमारे जो है ना कॉम्पिटिटर वो भी देख लेते हैं, लेकिन फिर कोई बात नहीं है, हमारे व्यूवर्स के लिए तो हम यार बहुत प्यार करते हैं। देखिए ये नट है, चाकी है, चलिए आज आपको दिखाता हूँ मशीन खोल के, अच्छी क्वालिटी का बेल्ट यहाँ पर अंदर से जो है इसका जो सिस्टम है उसके अंदर जो चक्कर डाले हुए हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डाले हैं, और ये जो है ना मेन चीज़ क्या है पता है, ये देखिए 9 ब्रश है, ब्रश भी ऐसा आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ दिखाइए, यहाँ ये बिल्कुल इधर दिखाइए आप, ये देखिए ये इसके अंदर कितना एमएम रखा है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो जाड़ा भी गन्ना ले लेता है और पतला भी ले लेता है, ये हमारे घर आके 3 साल पुराने सर, पतला और जाड़ा दोनों गन्ना ये सर बिल्कुल रेडी, पतला ले कैसा भी लो, कभी ऐसा ब्रश भी कैसा हो जाता है ब्रश को झटका रहो वापस फूल जाता है ब्रश खोलने से भी, है ना ब्रश के अंदर ये कैसे होते हैं देखिए, ये 3 नट खोलना बस, अच्छा, आप हाथ से कर ले तो कभी कोई मैकेनिक बुलाना पड़ा 3 साल कोई मैकेनिक नहीं है, आपके सामने सच्चाई बयान कर रहे हैं हमारे ग्राहक, और ये देखिए ये है कचरा, यहाँ पे व्हाइट पे दिखा रहा हूँ तो आपको दिखे, देखिए यहाँ बोल रहे हो कि शुगर केन तैयार लेने गए, बोले यार काला क्यों पड़ जाता है रस, अब साहब ये अगर साफ नहीं करेंगे तो जूस काला नहीं पड़ेगा तो क्या होगा बताओ, ये क्या है ये देखिए ये क्या है, 15 मिनट भी आपका जूस पड़ा रहेगा कभी काला ही नहीं पड़ेगा, 15 से आधा घंटे तक भी, अच्छा ये साफ करने के बाद, साफ करने के बाद में, नहीं तो आप बिना साफ करे 2 मिनट बाद ही रस काला पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल फेंकने लायक हो गया होगा, देखिए ये आपके सामने है सर, तो साफ सफाई रखेंगे आप हाइजीनिक रखेंगे, आपको मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति है जिसके पास शुगर केन की मशीन है कोई भी मशीन हो, और एक व्यक्ति जो है वो गन्ने को साफ करे बिना डाल रहा है, और एक व्यक्ति जो है पीलर मशीन से साफ करके डाल रहा है, दोनों की ग्राहकी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक हर चीज देखता है, हाइजेनिक होगा क्लीनिंग होगा तो कस्टमर रिपीट होगा, दोस्तों इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं जो निकल जाते हैं पूरा, ये ब्रश हो गया पूरा, ये ऊपर की पूरी जो है ना हल्की जो है ना लेयर वो निकल गई, कचरा निकल गया सर, हम जो है ना संतरा खाते हैं ना तो छिलका फेंक देते हैं, छिलका खाने का नहीं होता है उसको, इस तरीके से गन्ने का जो रस पीना है तो ऊपर का जो कचरा है वो निकाल देना है सर, हम आलू भी लेते हैं तो आलू का भी छिलका निकाल देते हैं, तो ये तो गन्ना है सर, आप अच्छा बेचिए ना, अच्छा बेचिए, क्या मेंटेनेंस और क्या खर्चा है ये आपके सामने कस्टमर है सर, आपको लाइट बिल का मेंटेनेंस का सब मिला के अभी तक मैं यूँ समझो कि भाई महीने जो है इसका कितना लाइट बिल आता होगा कुछ अंदाजा है, महीना का समथिंग आप लेके चलो 300 रुपये का खर्चा नहीं आएगा इस मोटर से, अच्छा 1.5 क्विंटल गन्ना साफ करें 300 रुपये का खर्चा नहीं आएगा रोजाना, रोजाना के 300 रुपये महीना भी खर्चा नहीं आना है, अच्छा। बिल्कुल ही हद से आधा यूनिट जलाती है, क्योंकि हम चालू करते हैं जब इस्तेमाल करना होता है, बाकी हम बंद कर देते हैं जब इस्तेमाल नहीं करना, आपने 1 क्विंटल गन्ना साफ करा वापस बंद कर दो, जब आपका गन्ना खत्म होता है देखा रात को लड़का फ्री है भैया तो साफ कर, इसी भाई ने गन्ना सूखा भी जाता है और रस भी गाढ़ा बनता है इसकी छिलका निकलने से, अच्छा सबसे गाढ़ा भी बनता है, और उसमें क्या होता है कि ऊपर जो है ना वो दवाई छिड़काव केमिकल, जो केमिकल किसान लोग गन्ना बढ़ाने के लिए मोटा करने के लिए इसमें जो केमिकल का उपयोग करते हैं वो क्या है, ग्राहक कहते हैं कि इसको साफ करके लगाओ या धो के लगाओ, धोने से एक एक गन्ना धोएंगे तो वैसे रस पतला हो जाएगा, ये मशीन निकलने से ये है कि धोने की हिटक भी खत्म, साफ करने की भी हिटक खत्म, गन्ना क्लीन करो और मशीन में दबाओ, सीधा क्लीन करते हैं आप मशीन के अंदर एंटर कर सकते हैं, और एक बाजू से डालना है दूसरी बाजू से निकालना है, एकदम ईजी प्रोसेस है इसका, एकदम ईजी प्रोसेस, ठीक है, और एक हैवी कवर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये कवर आप ढकेंगे तो ये आपका सेफ्टी फीचर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपने नट बंद कर दिया, अच्छा उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट थी कि वायर लंबा करके दो तो, हाँ जी इसमें सिर्फ समथिंग 7 से 8 या 10 फीट का वायर था, जब हम लोग लेने आए तो इसको जब बोला कि इसको 30 फीट वायर लंबा करो 30 से 35 फीट, तो सलमान सर ने हमारा सुना, आज वो वायर ही कम से कम 500 रुपये का वायर बनता है, उस फीट आपको लंबा कर लंबा करके दिया, पिन भी लगा के दिया, सब हैंड टू हैंड सब चीज करके दिए, और यहाँ पर आप जब भी आए हैं सर आपको इंस्टेंट और क्यूक जो है आपको रिप्लाई मिला है सर, हाँ जी है ना, कभी आप आए यहाँ पर और आपने जो मशीन की डिमांड की गई भाई ये मशीन चालू करके बिताओ आपको तुरंत दिखाया जाता है सर, लाइव बिल्कुल लाइव डेमो करके
कभी भी बताया है, मना तो करा ही नहीं। और आपको कभी उसका चार्ज मांगा है सर? नहीं, कोई चार्ज नहीं। देखिए दोस्तों, और आप दूसरी कंपनी में नक्की करके जाना, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो आपको यूं बोलेगी कि भाई मैं उनकी मशीन आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, और आपको यूं बोलेगी कि चार्ज लिया जाएगा। हमारी कंपनी में किसी भी प्रकार के डेमो का कोई चार्ज नहीं है। आप मशीन खरीदना चाहते हैं, यहाँ शोरूम में आप एंटर हो गए, ये सारी मशीन आपको फ्री में ऑन करके, चेक करके, चालू करके दिखाई जाएगी, और आपको फ्री डेमो दिया जाएगा। और आप एक नहीं चार कोन खाइए आइसक्रीम के, आपको सब कोन खिलाए जाएंगे, वो भी फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं होता। सर आप चेक करेंगे तभी तो लेंगे ना, आपका अधिकार है, आप चेक कीजिए। आपको जो फ्लेवर चेक करना है, जो आपको टेस्ट करना है, सोडा टेस्ट करना है, सब आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ये शुगर कैन की मशीन कस्टमर ने, ये जो पिलर मशीन हमसे लिया था, वो आपको पूरा हमने दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको चारों बाजू से देख ले। सर ये स्विच आप तकरीबन इतने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इसको एक आपने तकरीबन 10,000 बार ऑपरेट कर लिया होगा, तो क्या रिव्यू है इस स्विच के बारे में? स्विच तो अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, स्विच का जैसा है वैसा की वैसा ही है, ना कोई एक वायर जला है। अच्छा, वायर भी नहीं। वायरिंग जो सर पूरी कॉपर की गई है, इस वजह से उसमें जलन नहीं है। अच्छा, कभी कोई ये स्क्रू वगैरह हिल हिल के निकल गया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप तो देख लिया, महीने दो महीने हो गए, कोई नट टाइट कर दो ढीली हो गई हो तो। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बाकी ऐसा कंपलसरी खुल जाता है कैसा? कभी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई, ये आपके सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको ये फैन मिल जाता है, मोटर के अंदर यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, ठीक है। ये दो यहाँ पर जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है उसका पावर सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है, ये हैवी वायर ऐसा दिया जाता है आपको, और ये प्लग एंड प्ले मशीन है, और ये हैवी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ये जो है वो मशीन आयरन की बनी हुई रहती है, लेकिन हैवी है। बबलिंग भी नहीं करती भाई? अच्छा, बिल्कुल बबलिंग वगैरह कुछ भी नहीं। आप भले कितने इसको रोड पर रख दो, जब आप हाथ से खसकाओगे तो जब खसकेगी नहीं तो खसकना ही नहीं है। बराबर, यानी हिल रही है, डुल रही है, वो कुछ भी नहीं है। कोई नॉइज वगैरह ऐसी आई, कोई आवाज वगैरह, जलने की कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है आपके सामने। मैं इसके लिए बारीक पूछ रहा हूँ, तो क्या किया? 3 साल हो गए मेरे को, कोई शिकायत तो आई नहीं। अब तो मैं इसीलिए आया हूँ कि एक सोडा सोप लेना है मेरे को, और इसके ब्रश लेना है, इसलिए मैं आया हूँ सलमान सर के पास में। अभी एक कस्टमर ने हमारे बुकिंग भी करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक सोडा का सॉप मशीन जो है उन्होंने बुक करवाया है, हमारा कस्टमाइज हम बना के देने वाले हैं इनको। हाँ, एक सोडा सोप जो अभी इनके पास, जो मैं जिस रिक्वायरमेंट पर मांग रहा हूँ, ताकि मैं सिर्फ सोडा, प्लेन सोडा निकले चिल्ड होके, और कंप्रेसर लग के, उसके बाद में एक कैपिंग मोटर जो अपन किसी ढक्कन लगा दो, उस कैपिंग से किसी ने मांगा लेमन वगैरह कुछ भी, जो उसको अपन ले जाके उस प्लास्टिक की शीशी में भर के उसको दे सकते हैं, वो अपने घर ले जा सकता है, कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसको। यानी आपका जो है वो रेलवे, क्या बस स्टेशन है नज़दीक में? नहीं, रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन नज़दीक में है तो पार्सल का उनका ज़्यादा कारोबार चलता है उस वजह से। तो दोस्तों, मैंने आपको डिटेल्स तो बताई, आगे मैं और फुल डिटेल्स दिखाना चाहूँगा आपको। तो फुल डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ये मशीन का नाम है शुगर केन पीलिंग मशीन है। अब इसको शुगर केन की क्लीनिंग करने की भी मशीन बोल सकते हो कि भाई शुगर केन क्लीनिंग, यानी क्लीनिंग भी करती है, तो पीलिंग है ये, पीलिंग, शुगर केन पीलिंग मशीन है। मशीन की हम बात करें कि भाई क्या करती है ये आपकी, तो शुगर केन की पीलिंग की कैपेसिटी 80 kg जो है वो पर आवर में कर देती है। वैसे प्रैक्टिकल रिव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा सर आपका, 1 घंटे में कितना करके देती है? सर 1 घंटे में तो लेके जो आपको जितना समझ आए उतना कर लो, बैठने का तो रोल तो है ही नहीं, इंसान हिम्मत होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने कितना किया है जैसे 1 घंटे में? 1 घंटे में तकरीबन 1 क्विंटल लेके तो चला है। 4 भारी 3 भारी आराम से गन्ना एक बंदा साफ कर देता है। 1 भारी का वजन होता है 20 से 22 किलो, और 12 फीट लंबा गन्ना होता है, और 6 से 7 गन्ने होते हैं, तो 3 भारी का 1 क्विंटल वेट बैठ जाता है। और गन्ना जो होता है मोटा पतला दोनों ही आता है, आप कहाँ से लेते हो गन्ना? हमारे मंदसौर में बहुत सा इसकी खेती होती है। अच्छा, मंदसौर में खेती होती है। मंदसौर में अपने क्या कहते हैं, चिमन जी जाट है, कम से कम वो 25 बीघा खेत के अंदर गन्ना ही बोते वो। अच्छा, तो आपका जो है जैसे गन्ना क्या भाव प्रति केजी में आ जाता है? गन्ना 600 से स्टार्ट होता है, तो एंड जाते जाते 1200 तक 800 तक पहुंच जाता है। 600 रुपये का एक 100 किलो, 600 रुपए का 100 किलो, 6 रुपए प्रति केजी हुआ। हाँ। 1 किलो गन्ने में से क्या सर 3 ग्लास निकल जाते हैं जूस? 1 किलो गन्ने में तो आराम से 3 से 3.5 ग्लास बैठ जाते हैं। 3 से 3.5 ग्लास बैठ जाते हैं, यानी कि 600 से 700 ml जूस निकल जाता है। जी सर, है ना, यानी 1 ग्लास की कॉस्टिंग सर 2 रुपए हुई। वो तो हुई है ना, देखो 2 रुपए 1 ग्लास की कॉस्टिंग होती है, फिर बेचिए आप 10 से 15 रुपए में आपके एरिया के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे दोस्तों, और मशीन के अंदर जो है आपका 220 वोल्टेज पावर रहता है। डायमेंशन की बात करूँ तो 18 बाई 18.5 बाई 36 इसकी हाइट है,
और यूँ 18 है और यूँ 18 है, यानी डेढ़ डेढ़ फुट है और हाइट में 3 फुट है। और इसकी वजन की बात करें तो 55 किलो की दोस्तों ये मशीन है, वजन में वेट में। मशीन हम पैकिंग करके देते हैं सर, आर्मर पैकिंग करके दी थी जी सर, बिल्कुल पैकिंग ऐसी करी थी कि जब खोला है, जब भी खुला बिल्कुल पुष्टा वगैरह, ये ब्लैक फाइबर का रहता है वो इनका लगा हुआ रहता है, ब्लैक आर्मर पूरा, कहीं भी कुछ भी ट्रक से भले गिरा भी देंगे तो डैमेज नहीं होता, जहाँ तक हो तो अपने व्यवस्था अपने साथ में आके लेके जाओ, है ना। यानी मशीन जो है हमने आपको जब दी तो आपको अच्छा पैकिंग करके दी, बिल्कुल व्यवस्थित जो आर्मर पैकिंग रहता है वो करके हमने दी है। और हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेके आए और साथ में लेके जाएं, या फिर ट्रांसपोर्ट से बुक करवाएं तो साथ में इंश्योरेंस भी करवा लें, हमारा सजेशन होता है हमारे कस्टमर के लिए। तो दोस्तों ऐसी मशीन लेके अपने बिजनेस को आप ग्रोथ कर सकते हो। आप ऑलरेडी अगर शुगर कैन का जूस का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कर रहे हैं रसवंते का व्यापार, तो ऐसी मशीन लीजिए और अपने व्यापार को 10x लगा दीजिए, यानी कि आप मल्टीपल जो है ना ग्रोथ कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्लीनिंग करके हाइजीन करके बहुत ही बढ़िया आपका जो है ग्रोथ हो जाएगा अपने बिजनेस का। तो दोस्तों इस मशीन की मेरे को लग रहा है मैंने पूरी डिटेल्स और जानकारी आपको दे दी है, फिर भी अगर आपको कुछ अधिक जानकारी लेनी है तो डिस्प्ले में दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने पूरी रिव्यू और जानकारी दी है, तो आप कमेंट करके कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि आपका जो एक शेयर है वो किसी के बिजनेस को अपग्रेड कर सकता है, या फिर नई मशीन लेके साथ में हमारे पास शुगर कैन के काफ़ी मॉडल्स हैं तो वो खरीद के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन नए मशीन की बुकिंग के लिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थम्सअप कर दीजिए, थैंक यू।